अब समय हो चला है प्रशांत सावंत सर को अपने साथ एक बार कनेक्ट करने का, उनसे जरा करते हैं बातचीत और जानते हैं आगे की ट्रेड्स और मार्केट के बारे में। प्रशांत सर, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। लेट्स बिगिन। सारी ट्रेड्स वगैरह आपके अपडेट्स इनसे चालू करते हैं, देन आगे की आपसे ट्रेड्स लेंगे। सिमरन, सबसे पहला अपडेट कैमलिन फाइन, जो शायद चार दिन पहले हमने 202 पे मैंने कहा था एंटर करने के लिए, तो ये आज ऑलमोस्ट 220 टच कर चुका है, 218 का हाई है, यानी अराउंड 10% मूव आ गई है, तो काफी अच्छा मूव दे रहा है, बने रहना चाहिए। और आई थिंक ये एक न्यू ब्रेकआउट जोन में जा रहा है मोस्टली, अगर आप देखो इसको तो ये कंप्लीट न्यू ब्रेकआउट, और आई थिंक यहाँ से ये काफी अच्छा पिकअप ले सकता है, तो इसमें बने रहेंगे और हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस था वही मेंटेन करेंगे। अभी जब रेस करना होगा तो मैं बता दूंगा, एक बार ये 225-230 के ऊपर ट्रेड करें तब हम थोड़ा कॉस्ट के नजदीक लेके आएंगे, बट फिलहाल जो स्टार्ट हुई है ट्रेड बहुत अच्छे से हुई है, 202 से 220 ऑलमोस्ट आ चुका है 3 दिनों के अंदर। जी सर, बहुत ही अच्छी मूव आपको मिल चुकी है, अगर आप चाहे सर फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट अभी बुक करवाना है या फिर आप अभी कह रहे कि और बने रह सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो स्टार्ट हुई है, अभी बने रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप अगर चाहे तो एक बार पेशेंस लेवल के साथ बने रहिए, जब वो न्यू हाइट रीच करेगी तब आप एग्जिट कर लीजिएगा, तब हम आपको एक बार अपडेट भी खुद से दे देंगे। ठीक है सर, आपकी नेक्स्ट अपडेट। सिमरन, नेक्स्ट अपडेट वैस्कॉन होगा। सुबह किसी ने पूछा था 25 पे एंटर करें, मैंने कहा था बिल्कुल करो, आप अगर अभी ऑलमोस्ट आप क्लोजिंग ही देखेंगे 26:15 की क्लोजिंग है, 10% अप है स्टॉक, यानी ऑलमोस्ट सर्किट पे है, तो बहुत अच्छी मूव इसने भी, हमने जो इनिशियल एंट्री दी है वो तो 23:50 पे दी हुई है, तो ये काफी अच्छा मूव दे दिया है इसने, ऑलमोस्ट 3 रुपीज की मूव हो चुकी है, विच इज ऑलमोस्ट 12-13% इन 2 डेज, तो स्टार्ट अच्छा हुआ है, रेंज ब्रेकआउट हो चुका है, और मैंने सुबह भी इसका वीकली चार्ट दिखाया था, ये बहुत अच्छे कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो डेफिनेटली हम इस जोन को टारगेट करेंगे अराउंड 33, और उसके ऊपर हायर टारगेट रखेंगे, फिलहाल 1:1 के हिसाब से हमने 33 के लिए फर्स्ट एंट्री लिए, ताकि हम हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट के ऊपर लेके जा सके और उसके ऊपर हम ट्रेड और ऐड करेंगे। यस सर, बहुत ही शानदार एक मूव मिल रही है, जिसपे भी आप जिसने भी ये प्रॉफिट अगर आपने एंट्री कर ली होगी तो आपकी चांदी है, आगे बाकी जो भी होगा वो अपडेट सर आपको एक बार फिर से बता देंगे। बहुत ही शानदार मूव मिली है 2 से 3 दिन के अंदर। नेक्स्ट स्टॉक, मैं इस स्टॉक के बारे में स्पेसिफिकली बात करूंगा, क्योंकि 2 स्टॉक्स मुझे बात करने हैं। सबसे पहला है बटरफ्लाई, ये मैंने 800 पे सजेस्ट किया था कि इसमें एंटर कर लीजिए, 640 का स्टॉप लॉस लगाइए, मुझे ये ट्रेड 1200 तक जाते हुए दिखता है। तो आप ये चार्ट आपके सामने है, ये नीचे आया था और ये नीचे आया था 654 पे, स्टॉप लॉस हमारा 640 था, वो कभी भी ट्रिगर नहीं हुआ, इस सारे जोन में सवाल आ रहे थे क्या करें, तो मैंने 660, 670, 680 हर बार यही कहा बाय करो। अगर आप आज की प्राइस देखो तो ये फिर से 800 हो गया है, मतलब जो हमने ट्रेड की थी और जो नीचे ऐड किया है ये आइडियली अब बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, और यहां से हमारी ओरिजिनल ट्रेड शुरू हुई थी वहां वापस आ चुका है बिना स्टॉप लॉस ट्रिगर किए। बट इस पूरे जोन में जो लोग शेकआउट होते हैं, यानी जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होता या नॉलेज नहीं होता, तो ये मैं हमेशा कहूंगा कि ये एक लाइव एग्जाम्पल है कि अगर आपको पता है कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ रखा है तो आपको कभी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं। ये ट्रिगर भी हुआ तो आपको पता है, अगर ये ट्रिगर होता तो ये स्टॉक आज यहाँ होता, बट ये ट्रिगर नहीं हुआ है इसीलिए ये स्टॉक फिर से हमारे कॉस्ट के नजदीक आ चुका है, और आई थिंक यहाँ से ये अच्छी स्ट्रेंथ पकड़ना चाहिए। बिल्कुल सर, आप एक बार अगर देखें तो फिर कितनी अच्छी से शानदार मूव दी गई है बटरफ्लाई गानीमती। अभी भी किसी ने एक बार पूछा था तो उनके लिए भी अगर आपको चाहिए तो सर ने बिना आपके बोले ही आपका व्यू पॉइंट एक बार क्लियर कर दीजिए। ठीक है सर, नेक्स्ट आपकी अपडेट सर। नेक्स्ट सिमिलर स्टॉक था जो थोड़ा चौपी स्टार्ट दे रहा था, जो मैंने 107 पे रिकमेंड किया था, और वो यहाँ जो मूव आई थी तब शायद डिम्पी जी और मैं बात कर रहे थे, और मैंने कहा था कि इस दिन यहाँ पे मैंने कहा था कि हम 90 की जगह, पहले मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस 90 था, फिर मैंने कहा थोड़ा ऊपर लाते और 95 रखते, 95 ब्रेक कर दे तो वीक होगा, नहीं हुआ तो ये 160 की तरफ जाएगा। इसका लो बना 98.4, यानी इसने 95 ब्रेक नहीं किया, और आज एक रेंज ब्रेकआउट आपके बिल्कुल सामने है विथ वॉल्यूम। अभी इसमें डेफिनेटली अब इसके बारे में सारे लोग बात करेंगे क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है, बट हमने इसकी ओरिजिनल पोजिशन बनाई है 107 पे। अब मैं कहूंगा आप इसमें ऐड करो, प्रॉफिट बुक ने आपको ऐड करना चाहिए, और डेफिनेटली अब ये स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड दिस शुड नाउ गो टुवर्ड्स आवर ओरिजिनल टारगेट्स जो हमने बात की थी पहले, अराउंड फर्स्ट टारगेट आप इस जोन में पकड़ो
125, 130 और 130 के ऊपर ये जो 160 है, एंड देन आगे देखेंगे। बट एटलीस्ट जो 160 की बात हमने 107 पे की थी, शायद ये इस तरफ जा रहा है, और आज की क्लोजिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आई थिंक ये ब्रेकआउट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, जिनके पास नहीं है वो भी ले ले और बने रहे। ठीक है सर, आप एक बार अगर अपनी स्क्रीन एक बार शेयर कर लेंगे तो दर्शकों को बहुत ज्यादा अच्छे से दिख भी पाएगा। आई एम सॉरी, मुझे लगा था मैंने स्क्रीन ऑलरेडी शेयर कर दी है। नहीं नहीं सर, कोई बात। जी सिमरन, अभी ठीक है? जी सर, अब दिख रही है। जी तो मैं एक बार क्विकली, एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, और फिर मैंने कहा था कि हम इसके मंथली चार्ट के हिसाब से टारगेट अभी 135 एंड 160 ये डेफिनेटली देख सकते हैं। 107 की हमारी एंट्री थी जिसका स्टॉप लॉस कभी ट्रिगर नहीं हुआ, और इनफैक्ट 100 पे मैंने कहा था अगर नहीं है आपके पास तो ले लो, क्योंकि स्टॉप लॉस सिर्फ 95। मैं आज भी कहूंगा, अब तो डेफिनेटली ब्रेकआउट पे सभी लोग कहेंगे, बट अभी भी आपके पास अगर नहीं है तो आप इसमें बने रहे। ये अच्छा टर्न अराउंड लग रहा है मुझे, विथ वॉल्यूम लग रहा है, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही, इसमें बने रह सकते हैं। और इसके पहले जो मैंने चार्ट दिखाया था वो था बटरफ्लाई गांधीवती का, और वहां मैंने वही दिखाया था कि 640 का स्टॉप लॉस था, बट जो लो बना वो 654 बना, वहां से फिर से ये 793 यानी 800 हमारा जो कॉस्ट था वही पे आ गया है। और इस जोन में मैंने हर बार कहा आप ऐड करो, तो वो सारी पोजिशन आज एक्चुअली प्रॉफिट में आई हुई है। बट ये सारे लोग जो बीच में शेकआउट होते हैं और स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होने पर भी एग्जिट होते हैं, तो इस तरह से एक गलत ट्रेड हो जाती है। मैं ये कह रहा था अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होता तो ये स्टॉक डेफिनेटली नीचे आया होता, क्योंकि ये ट्रिगर नहीं हुआ, ये बैक टू कॉस्ट है, और जो भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है वो सब प्रॉफिट में आ चुका होगा। फर्स्ट चार्ट मैंने दिखाया था वो था कैमलिन का, ये ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोज हो रहा है, विच इज अ वेरी 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 पॉजिटिव साइन। तो आई थिंक यहाँ से ये स्टॉक बहुत अच्छे से पिकअप होना चाहिए। फाइनली प्रशांत सर का बोडल केमिकल स्टार्टेड मूविंग टुडे 10% अप, कांग्रेचुलेशंस सर। एंड एक आपके लिए स्लोगन भी दिया जा रहा है, स्लोगन फॉर प्रशांत सर, कीप काम एंड ट्रस्ट ऑन प्रशांत सर, हैशटैग बोडल केमिकल। और एक और है सर, प्रशांत सर सजेस्टेड स्टॉक एसकेएम एग हैज रॉक्ड अप टू 10%। सिमरन, ये मैंने पोर्टफोलियो के लिए कहा था कि आप इसको रखो, इसमें आप कुछ भी मत देखो और इसको 70 स्टॉप लॉस से पोर्टफोलियो में डाल दो, तभी प्राइस कुछ 88 जहां तक मुझे याद है। और ये सारी मूव्स पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मुझे ये बहुत बड़ा टर्न अराउंड स्टोरी लग रहा है, तो इसलिए मैं इसको 70 स्टॉप लॉस से पोर्टफोलियो में रखने की सजेशन दूंगा। बिल्कुल इसमें ट्रेड मत करो, जस्ट होल्ड इट, 70 ब्रेक करे तो ही एग्जिट करो, वरना कीप इट इन द लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। ओके सर, इसको एक बार हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लॉन्ग टर्म इसके लिए अपने पोर्टफोलियो में एक बार रख देते हैं। सर, आपके नेक्स्ट कोई अपडेट है आप बता दीजिए प्लीज। सिमरन, दो अपडेट होंगे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। फर्स्ट वन इज एक्सिस बैंक, सॉरी ये बीएससी पे खुला है, एक मिनट में इसको एनएससी पे खोलता हूँ। एक्सिस बैंक, ये एनएससी पे अभी आपको स्टॉक दिख रहा है, ये मैंने 730 जोन पे बाय कहा था विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस ऑफ 660 यानी अराउंड 70 रुपीज का रिस्क था, और तब मैंने कहा था कि मुझे इसमें टारगेट दिख रहा है 880, जो कि यहाँ कहीं आपको चार्ट पे नहीं दिखेगा, प्रीवियस हाई अराउंड 800 ही है, बट मैंने 880 का टारगेट दिया था। अब ये रेंज ब्रेकआउट दे रहा है, तो अगर कल प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करने लगे, यानी मेरे हिसाब से 775 के ऊपर, ये बहुत हाई इमोशनल जोन है जहाँ पे ये गैप अभी तक पोटेंट है, एक्टिव है, तो आज इसके ऊपर पहली क्लोजिंग मिल रही है, अगर मैं जस्ट ये हॉरिजॉन्टल मार्क करूं इसके ऊपर, ये आज फर्स्ट क्लोजिंग है, वॉल्यूम भी डिसेंट है, तो डेफिनेटली अगर ये कल 775 के ऊपर जाता है तो आई थिंक दिस विल बी द स्टॉक टू वॉच आउट फॉर एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 weeks। यस सर, बिल्कुल हम अपनी पोजीशन चेक पे बनाए रखेंगे। एक्सिस बैंक की आपकी भी एक ट्रेड दी हुई थी, आपकी और कोई रिकमेंडेशन भी थी यहाँ पे हमारे व्यूअर्स बता रहे, वो है एक सर अर्लियर रिकमेंडेशन नॉसिल एट 215 ऑल्सो ट्रिगर्ड, देयर वाज अ रीजन प्रसाद सर सेड की एचडीएफसी को आप होल्ड सेल ना करें एंड ब्रिलियंट कन्विक्शन। एक और थी सर आपके लिए, काफी लोग थैंक यू भी मिल रहे हैं कि एसकेएम एग के लिए थैंक यू, और एक एस चांद भी आपका बहुत अच्छे से चल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि यू रॉक सर।
सिमरन एस चांद अच्छा चल रहा है, बट मुझे जहां तक याद है मैंने एक स्टॉक पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया हुआ है, वो है HDFC। और मैंने ये कहा ये स्टॉक जिस दिन 2550 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, ये ट्रेड एक अलग ही लेवल में चलेगा। अभी भी आज उसने क्लोजिंग नहीं दिया, आप पकड़ लो 8 मिनट है, तो डेफिनेटली कल इसको रडार पे रखेंगे। ये जो जोन है इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए अराउंड 2550 के ऊपर, और उसके जब ऊपर वो ट्रेड करने लगे, मेरा टारगेट इस स्टॉक में यहाँ बीच में तो कहीं नहीं है, ये गैप डेफिनेटली है जो 2675, बट मेरा टारगेट स्ट्रेट यहाँ आता है अराउंड 2929 के आसपास और 2945 के आसपास HDFC लिमिटेड में। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि ये एक बार अच्छे से क्लोजिंग दे दे 2550 के ऊपर। ठीक है, तो आप एक बार HDFC लिमिटेड के ऊपर भी व्यू बना के रखिएगा, कल हम उसको रडार पे एक बार रख देते हैं और कल हम फिर से एक बार इसका भी देखेंगे कि कैसे करना है क्या करना है। ठीक है सर, आपकी नेक्स्ट कोई रिकमेंडेशन या अपडेट हो आप प्लीज बता दीजिए। टाइटन पे अपडेट दूंगा, अभी भी उसी जोन में है, 1700 से 1720 में मैंने बाय दिया था विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1660, अभी भी उसी जोन में बना हुआ है। आई थिंक ये बहुत जल्दी ब्रेकआउट देना चाहिए, नेक्स्ट 2-3 डेज में इसको ऑब्जर्व करेंगे, और मोस्टली अगर ये ब्रेकआउट आ जाए तो ये 1800-1825 तक जाना चाहिए। ठीक है, टाइटन पे भी आप एक बार अपनी पोजीशंस पे कुछ ना करें, आप एक बार सिर्फ बने रह सकते हैं और आगे जो आपको ट्रेड्स मिलेंगे जब आपके लेवल्स अचीव हो जाएंगे फिर हम आपको एक बार अपडेट दे देंगे, आप अपनी पोजीशंस को बुक कर लीजिएगा। ठीक है सर, और लास्ट अपडेट जो मेरा होगा वो कोटक बैंक पे होगा, तो कोटक बैंक जहां तक मुझे याद है मैंने इस जोन में इसके ऊपर बाय दिया था, उसी जोन में बना हुआ है, और इसको मैंने मुझे जहां तक याद है अराउंड 1740 के आसपास, 1730 के रेंज, 1728 के आसपास बाय दिया था विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1660। तो ये मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है और इवेंचुअली इट शुड रीच द टारगेट ऑफ 1850, बट वो सिर्फ मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, एक बार वो टारगेट क्रॉस हो जाए फिर ये स्टॉक डेफिनेटली 1925-1950 तक जा सकता है। ठीक है सर, तो आपकी काफी सारी रिकमेंडेशंस आज क्लियर हो गई, अपडेट्स क्लियर हो गई सर, और कोई अपडेट बची है नहीं तो मैं दर्शकों के सवाल। ठीक है सर, फिर मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ एक बार। ठीक है सर, आप ही के शेयर्स के बारे में है, ये पूछ रहे हैं कि सुबह शेक कर रहा है, रहने दे या निकल जाए? बिल्कुल नहीं निकले, बिल्कुल बने रही है। मुझे ये लग रहा है कि ये अराउंड 75 से लेके 75-50 अगले 5-6 दिनों में दिखा सकता है, तो बने रहेंगे। ठीक है सर, अब तक बॉम्बे डाइम भी काफी रॉक कर रहा है, वो भी हमारे दर्शक ही हमें बता रहे हैं। मैंने सुबह ही उसके बारे में अपडेट दी थी सिमरन, और आई थिंक जी एक मेजर अपडेट जो मेरे से मिस हो गई है, जी बिल्कुल 101 हो चुका है, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड मूव, एंड यहाँ से ये पीछे मुड़ के नहीं दिखेगा जहां तक मैं स्टॉक को जानता हूँ, अलग जोन में जाएगा। कल देखते ये 105 अगर क्रॉस कर दे तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप अपने बॉम्बे डाइंग पे भी आप अपनी पोजीशंस बना के रखें, फिलहाल कुछ ना करें, जब नई हाइट्स रीच हो जाएंगी तब हम आपको बता देंगे आपको कहाँ अपने प्रॉफिट्स बुक करने। सर दूसरा मैं आपसे एक स्टॉक पूछूंगी, वो है कैमलिन फाइन साइंसेस, सर अभी ऐड कर सकते हैं? और सिमरन सबसे पहले मैं कहूंगा आज सुबह भी मैंने बॉम्बे डाइंग में 95 में भी कहा था अगर नहीं है तो ले लीजिए, वहां से भी अराउंड 5-4% बढ़ चुका है। एक अपडेट मेरे से मिस हुई है सिमरन, वो है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, तो इस जोन में अराउंड 275 के लेवल पे मैंने एक सबसे पहली ट्रेड ये हमने चालू की थी 207 इस जोन में 207 पे, और उसमें हमने करते करते अराउंड 270 तक 40% प्रॉफिट बुक कर लिया था, शायद 60% बुक कर लिया था, मैंने कहा था 40% होल्ड करो। फिर 275 पे मैंने एक न्यू ट्रेड सजेस्ट की थी यहाँ पे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 240 फॉर अ टारगेट ऑफ 340, तो ये काफी कंसोलिडेट हुआ, स्टॉप लॉस का भी ट्रिगर नहीं हुआ, इसका लो सिर्फ 258 ही बना हुआ है, और अब ये फिर से एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो आई थिंक दिस शुड नाउ मूव टुवर्ड्स पहले 295-300 और वहां से जो मेरे हायर टारगेट्स थे 335 वहां तक ये जाना चाहिए, तो ये अच्छे से पिकअप हुआ है, इसमें बने रहना चाहिए। ठीक है, एक बार आप बने रहिए इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस पे, फिलहाल कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। ठीक है सर, कोई और अपडेट है? जी नहीं। ठीक है सर, मैं एक बार सवाल ले लेती हूँ दर्शकों के, सर UFO मूवीज का सिर्फ एक स्टॉप लॉस बता दीजिए प्लीज। सिमरन जो पोर्टफोलियो में मैंने ट्रेड कही है पहले फर्स्ट ट्रेड कि आप बिल्कुल इसको पोर्टफोलियो में रख दीजिए, उसका स्टॉप लॉस 70 होगा, एक मैंने कल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कॉल दिया है 97 पे, उसका स्टॉप लॉस 85 है, उसको हम होल्ड करेंगे फॉर टारगेट्स ऑफ 125-130, यानी ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, इसलिए हम इसको एक ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं,
पोर्टफोलियो स्टॉक विल बी देयर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 70 रुपीस। सर एक आईईएक्स आप बता दीजिए प्लीज। ये काफी अच्छा ब्रेकआउट लग रहा है। आई थिंक ये पहले भी हमारी बात हुई थी, ये थोड़ा और यानी अगर कल 415 416 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो इसमें न्यू एंट्री भी ली जा सकती है। और अभी जो लोग बने हुए हैं वो बहुत कंफर्टेबली बने रह सकते हैं, उनकी पोजीशन प्रॉफिट में ही होगी। आपको सिर्फ 390 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। न्यू पोजीशन के लिए डेफिनेटली इसको कल रडार पे रख सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार अपने रडार पे रख सकते हैं आपको अगर चाहिए तो। सर एक नौसेल और भारतीय एयरटेल ये भी प्लीज बता दीजिए। नौसिल में तो कुछ करने लायक नहीं है, वो बहुत अलग ही जोन में जा रहा है, बहुत अलग लेवल पे चल रहा है। तो आप सिर्फ मैं कहूंगा ट्रेल करो और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी होगा अराउंड 240। आपको लग रहा है काफी दूर है तो आप 30% पोजीशन बुक करो और बाकी को 240 में रखो, क्योंकि मुझे जितना याद है मैंने ये कहा था 216 के ऊपर लीजिए, तो 216 के ऊपर आने के बाद ये कभी पीछे गया ही नहीं है। तो ये सारी पोजिशन प्रॉफिट में ही होनी चाहिए। 240 अगर आप बैलेंस पोजीशन को रखो तो भी प्रॉफिट है, और 30% पोजीशन आप बुक कर लो, बाकी आप बने रहो। ठीक है, तो आप एक बार बने रह सकते हैं। 900 पे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए 240 का। अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो 30% जो है आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सर दूसरा मैंने आपसे शेयर पूछा था, एक था भारतीय एयरटेल। तुरंत मैं इस स्टॉक में कभी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, एक वजह है इसकी। टिपिकली अगर आप देखें तो टेलीकॉम स्टॉक्स बहुत रेंज बाउंड, बहुत न्यूज ड्रिवन होते हैं, तो उसमें मुझे कोई मतलब उस अगर आप ये पूरा साल देखें तो इस टाइम और एफर्ट के सामने कुछ रिवॉर्ड नहीं मिला है। हजारों न्यूज आई, हजारों बातें हुई, बट प्राइस में कुछ नहीं आया है। तो अगर किसी के पास है, किसी को ये स्टॉक पसंद है, तो मैं कहूंगा आप सिर्फ उसको एक पोजिशनल परस्पेक्टिव से 495 के स्टॉप लॉस से होल्ड करो। जिनको न्यू एंट्री लेनी है बिल्कुल इस जोन के ऊपर लेना, यहां तक मत लीजिए, 580 तक इसमें एंटर मत करो। इस जोन में अगर आपके पास ये स्टॉक है तो सिर्फ और सिर्फ 495 के स्टॉप लॉस से होल्ड करो, न्यू एंट्री मत कीजिए। ठीक है, 495 का एक आप रख लीजिए स्टॉप लॉस और इससे आप होल्ड कर लीजिए। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा एक BEPL। सिमरन ये स्टॉक हमने सुबह ही डिस्कस किया था और मुझे इसमें कुछ भी तकलीफ नहीं लग रही है। 181-182 की एंट्री थी, 174 चल रहा है, 140 हमारा स्टॉप लॉस है तो बने रहेंगे। और इनफैक्ट आज सुबह जो शॉर्ट्स केबल मैंने कहा था कि ये काफी दिनों से नहीं चल रहा है, वो बिल्कुल जब मैंने कहा कि अगर आप चाहे तो निकल सकते हैं तो तभी ये चलने लगा है। और मैंने कहा जिनको बने रहना है 65 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, तो अभी ये फिर से हमारे कॉस्ट पे आ चुका है। एग्जैक्टली सर। सर यूकाल मुझे याद है मैंने कहा था 160 ब्रेक करे तो एग्जिट करना है, अभी तक नहीं किया है तो बने रहेंगे। और फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास कुछ नहीं है, और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर हमें काफी सारी चीजें बताते रहते हैं। थैंक यू सो मच सर आज समय देने के लिए, कल के सेशन में आपसे मुलाकात। तो ये थी आज की कुछ रिकमेंडेशंस और ट्रेड जो हमने आपको बताई। कल सुबह के सेशन में आप फिर हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइएगा और अपने सारे सवाल हमसे जल्दी जल्दी पूछ जाइएगा। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।